श्रद्धा मर्डर केस पर लगातार कई अहम खुलासे हो रहे हैं और इसी से जुड़ा हुआ एक खुलासा यह भी हुआ कि 2 साल पहले 23 नवंबर 2020 के दिन श्रद्धा ने आफताब के खिलाफ पुलिस में एक शिकायत दर्ज करवाई थी एक चिट्ठी की शक्ल में। और इस चिट्ठी की शक्ल में भेजी गई उस लिखित शिकायत का हर एक शब्द आफताब की हैवानियत से भरा हुआ है। 2 साल पहले लिखी गई उस शिकायत में हर उस बात का जिक्र है जो श्रद्धा के साथ घटी। श्रद्धा ये समझ चुकी थी कि आफताब उसके साथ क्या कर सकता है। उसने पुलिस का दरवाजा भी खटखटाया। अगर 2 साल पहले उस वक्त श्रद्धा आफताब के चंगुल से बाहर आ जाती तो शायद आज वो जिंदा होती। स्क्रीन पर मौजूद कागज पर लिखे ये चंद शब्द नहीं है। इस कागज पर आफताब के गुनाहों की वो गवाही मौजूद है जो ठीक 2 साल पहले श्रद्धा वालकर ने दी थी। 2 साल पहले ही श्रद्धा ने कागज के टुकड़े पर लिख दिया था कि उसके साथ आफताब क्या कर सकता है। गौर से देखिए, 2 साल पहले 23 नवंबर 2020 की तारीख में श्रद्धा ने पुलिस को दी गई शिकायत में क्या क्या लिखा था। वो मेरे साथ गाली गलौज कर रहा है, 6 महीने से वो मेरे साथ मारपीट कर रहा है। आज उसने मेरा गला दबाकर मुझे मारने की कोशिश की। वो मुझे डराता है, ब्लैकमेल करता है कि वो मुझे मार कर टुकड़ों में काट कर फेंक देगा। कितना खौफनाक है ये सच कि श्रद्धा 2 साल पहले ही अपने साथ होने वाली बर्बरता को महसूस कर चुकी थी। 35 टुकड़ों में काटा, लेकिन आफताब की आंखों में इस क्रूरता को वो मुंबई में ही 2 साल पहले देख चुकी थी। बेचैन करती है बात कि पुलिस के दरवाजे तक पहुंचने के बाद भी श्रद्धा आफताब के चंगुल से नहीं निकल पाई। दोस्तों से मदद मांगने के बाद भी श्रद्धा की जान नहीं बच पाई। पुलिस अगर श्रद्धा की शिकायत पर फौरन एक्शन ले लेती तो श्रद्धा आज जिंदा होती। 2 साल पहले 23 नवंबर को श्रद्धा ने पालघर के नाला सुपारा के तुलिंस पुलिस स्टेशन में आफताब के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। इस शिकायत में श्रद्धा ने पुलिस को क्या कहा, पहले वो देखिए। मैं श्रद्धा वालकर, उम्र 25 साल, आफताब पूनावाला के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाना चाहती हूँ। आफताब विजय विहार कॉम्प्लेक्स के रीगल अपार्टमेंट में रहता है। वो मुझे गालियाँ देता है, बेरहमी से मारता पीटता है। आज आफताब ने गला दबाकर मुझे जान से मारने की कोशिश की, मुझे धमकाया और ब्लैकमेल किया। उसने कहा वो मुझे मार कर टुकड़ों में काट कर फेंक देगा। हैरान करने वाली बात यह है कि श्रद्धा के साथ आफताब ने ऐसी बर्बरता पहली बार नहीं की थी। श्रद्धा पिछले 6 महीनों से आफताब से पिट रही थी। शिकायत में आगे लिखा है, 6 महीने पहले से आफताब मुझे मारता आ रहा है, लेकिन मेरे अंदर पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने की हिम्मत नहीं हुई क्योंकि उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी थी। आफताब के माता पिता ये जानते हैं कि वो मेरे साथ मारपीट करता है और मुझे जान से मारने की कोशिश भी की। उन्हें ये भी पता है कि हम लिव इन रिलेशन में रहते हैं और वो वीकेंड पर हमसे मिलने आते हैं। मैं अब तक उसके साथ रह रही थी क्योंकि हम जल्द शादी करने वाले थे और आफताब के परिवार का आशीर्वाद भी मिला था, लेकिन अब मैं आफताब के साथ नहीं रहना चाहती। अगर मुझे किसी भी तरह की शारीरिक चोट पहुंचती है तो ये माना जाए कि ये चोट आफताब ने पहुंचाई है, क्योंकि आफताब ने कहीं भी दिख जाने पर मुझे जान से मारने की धमकी दी है। कितने साफ लफ्जों में श्रद्धा ने आफताब के साथ अपने रिश्ते का कड़वा सच
बयां कर दिया था। श्रद्धा ने बता दिया था कि उनके रिश्ते में आफताब की बर्बरता के सिवाय कुछ नहीं है, लेकिन फिर हुआ क्या? सवाल ये है कि जो आफताब श्रद्धा को महीनों से मार रहा था, वो दोबारा उसके पास क्यों गई? जिस आफताब ने उसे टुकड़ों में काटकर फेंक देने की धमकी दी थी, श्रद्धा ने उसे माफ क्यों किया? जिसके जुल्म के खिलाफ श्रद्धा पुलिस के पास पहुंच गई थी, उस पर भरोसा करके उसके साथ आखिर दिल्ली क्यों आई? इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए एबीपी न्यूज ने सबसे पहले उस पुलिस स्टेशन से संपर्क किया जहां श्रद्धा ने शिकायत की थी। पुलिस स्टेशन से जानकारी मिली कि श्रद्धा की शिकायत पर जांच की गई थी, लेकिन श्रद्धा ने शिकायत वापस ले ली, इसलिए आगे कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। खुद जो कंप्लेनेंट है, कंप्लेनेंट ने लिखित बयान दिया है कि उसकी अब कोई कंप्लेंट या तकरार रही नहीं है, और जो उसका जो ये था फ्रेंड था, उसके फ्रेंड के माँ बाप ने आके उनको मतलब समझाया था दोनों को भी, और अभी उसकी कोई तकरार नहीं है, ऐसा करके उसने रिटर्न स्टेटमेंट दिया था, और जिसके चलते वो मतलब वहीं पे वो क्लोज हो गया। टीवी स्क्रीन पर मौजूद ये वो वचन पत्र है जिसके जरिए श्रद्धा ने पुलिस में आफताब के खिलाफ अपनी शिकायत को वापस लिया था। श्रद्धा ने इस बार लिखा, मैं श्रद्धा वालकर और आफताब पूनावाला एक ही घर में पिछले 2 साल से रहते हैं। 23 नवंबर 2020 को आफताब ने मुझे घर के निजी कारणों से मारा था, जिसकी वजह से मैं चिढ़ गई थी और पुलिस में शिकायत की थी। आफताब के माता पिता ने हमें समझाया और अब मेरी उसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। लेकिन ये इतना सामान्य नहीं था, क्यों वो समझिए। श्रद्धा ने आफताब के खिलाफ पुलिस में अपनी शिकायत 23 नवंबर को दी थी, जबकि आफताब के खिलाफ शिकायत वापस लेने की तारीख 19 दिसंबर है। यानी शिकायत करने और शिकायत वापस लेने के बीच 26 दिनों का फर्क है। सवाल ये है कि 26 दिन तक पालघर पुलिस ने क्या किया? क्या 26 दिन के भीतर पालघर पुलिस ने कोई एक्शन लिया? इस वक्त हूँ मैं मुंबई के पास नाला सोपारा उसी पुलिस स्टेशन पे तुलेंद्र पुलिस थाने, जहाँ पर पहली बार श्रद्धा ने आफताब पूनावाला और अपने बीच जो रिश्तों में खटास आई थी उसको लेते हुए यहाँ पर उसने शिकायत दर्ज करवाई थी। नाला सोपारा और वसई पुलिस पे जो है इसको लेकर के अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या यहाँ पर इस श्रद्धा के मामले को लेकर के जो है पुलिस ने लापरवाही बरती है। श्रद्धा सीधे पुलिस के पास नहीं पहुंची थी, कई लोगों की मदद के बाद वो शिकायत दर्ज करवा पाई थी, और मदद करने वालों में पूनम बिडलानी भी एक थी। उस लड़के आफताब से झगड़ा हुआ था, उसने उसको मारा था, इसलिए वो लोग आए थे कंप्लेंट के लिए। तो उसने मुझे बोला था उसको गुस्सा आता है तब वो उसको मारता है। उस दिन कुछ खाने को लेकर झगड़ा हुआ था। खाने थोड़ा सा बताएं, नॉनवेज को लेकर मतलब किस बारे में? पता नहीं, उसने बोला था कि नॉनवेज को लेकर झगड़ा हुआ है, अभी किस बात पे हुआ ये प्रॉपर नहीं मुझे मालूम है। श्रद्धा नॉनवेज नहीं खाती थी इस वजह से, या कोई बीफ वगैरह खिलाना था इस वजह से? नहीं, ऐसा मुझे कुछ नहीं बोला उसने। सारी कहानी नवंबर और दिसंबर 2020 के बीच घूम रही है, और ऐसे में श्रद्धा की उस तस्वीर की बात करना बेहद जरूरी हो जाता है जो आफताब के साथ रिश्ते में रहते हुए सामने आई थी। चेहरे से लेकर गले तक चोट के निशान मौजूद हैं। नाक से लेकर गाल तक सिर्फ खरोच नहीं है, बल्कि ये लाल निशान श्रद्धा के दर्द की गवाही बनकर मौजूद थे। श्रद्धा की चोट वाली तस्वीर को एक दोस्त ने जारी करते हुए इसे दिसंबर 2020 का बताया था। श्रद्धा के दोस्त ने बताया था कि आफताब की पिटाई के बाद उसे बहुत ज्यादा चोटें आई थी। श्रद्धा की हालत इतनी खराब हो गई कि उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। दिसंबर 2020 की तारीख वाला वो मेडिकल बिल भी सामने आया, जिसमें श्रद्धा की तकलीफों का ब्यौरा मौजूद था। इत...
इतना सब होने के बावजूद भी श्रद्धा और आफताब के बीच समझौता हो गया था। आफताब और उसके माता पिता ने श्रद्धा को मना लिया था, लेकिन सवाल यहाँ ये उठ रहे हैं कि क्या आफताब श्रद्धा को ब्लैकमेल कर रहा था? श्रद्धा के सामने क्या कोई ऐसी मजबूरी थी जिसकी वजह से वो इस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पा रही थी? ये सारे सवाल इसलिए क्योंकि श्रद्धा एक बेहद बिंदास लड़की थी, अपनी शर्तों पर जिंदगी जीने वाली, जो बिना डरे अपनी सोच अपने फैसलों को सामने रखती थी। तो फिर वो आफताब के दबाव के सामने कैसे और क्यों झुकी? श्रद्धा स्टोइकल हो गई थी। कई बार लोग अब्यूज सिर्फ रिलेशनशिप का, टॉक्सिक रिलेशनशिप का आदि हो जाते हैं और उसी को अपने गोल सेटिंग का पार्ट मान लेते हैं, उसी से निकलना अपने आप को पर्पस मान लेते हैं और ये मानते हैं कि ये जो बंदा मुझे टॉर्चर कर रहा है या जिसके टॉक्सिक रिलेशनशिप में मैं साथ हूं, मैं इसको ठीक करूंगी। सो शी टुक हिम आफताब एज अ चैलेंज, क्योंकि फैमिली सपोर्ट जैसे मैंने पहले कहा नहीं उसके पास बचा था, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहा पर इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में रहने का। वो इससे निकलना भी चाहती थी, अपने फ्रेंड्स को उसने बहुत बार बताया। बुधवार को श्रद्धा का एक पुराना वीडियो सामने आया है और इस वीडियो के जरिए श्रद्धा की शख्सियत भी सामने आई है। सुनिए श्रद्धा के दोस्त मोनू से कि कैसी थी उनकी वो दोस्त। अभी भी श्रद्धा का जिक्र होता था मेरे जहन में एक ही ख्याल आता था उस वक्त भी और आज भी, शॉर्ट रिबेलियन की। वो अपने आप को शॉर्ट रिबेलियन कहा करती थी। शायद उसका कारण ये भी था कि उनकी हाइट थोड़ी छोटी थी और हेयर भी शॉर्ट थे और उनकी रिबेलियन सोच तो थी ही। किसी से डरना और किसी के, जब ये घटना के बारे में हमने सुना तो कहीं ना कहीं ये पता चला कि वो बहुत दबाव में थी, झुक के रह रही थी, किसी की बातों को सहन कर रही थी। ये तो उनका नेचर था ही नहीं। वो अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स रखने के लिए जानी जाती थी। दोस्त हैरान है, बहादुरी से हर हालात का सामना करने वाली श्रद्धा आफताब के सामने कहां कमजोर पड़ गई। जो वीडियो आप टीवी पर देख रहे हैं ये श्रद्धा के कॉलेज के दिनों का है। श्रद्धा सेकेंड ईयर में थी और टीचर ने 24 घंटे के भीतर एक नाटक करने को कहा, तो पूरी क्लास में श्रद्धा ने ही कमान संभाली थी। हम उस वक्त सोच में पड़ गए थे कि आखिर हम क्या क्या करें, क्या प्ले करें, कुछ रिटेन हमारे पास है नहीं, ऐसा क्या करें जो क्लास के सामने प्रेजेंट हो पाए, क्योंकि एक बड़े स्टेज पे प्रेजेंट करना है तो हाँ आप क्रिएटिव आप हो सकते हो, दिमाग लगा सकते हो, कुछ कहानियाँ कहीं और से भी ले सकते हो, आप कुछ समय आपको लगेगा लेकिन आप प्रेजेंट कर सकते हो, बट एट अ टाइम अगर आपको करना हो तो आप कैसे करोगे? श्रद्धा का यहाँ पे कॉन्सेप्ट आया, उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, सीताहरण का वो दृश्य प्रस्तुत करते हैं। और फिर हमने कहा वो कैसे कर सकते हैं क्लास के सामने, वो भी मतलब इतने छोटे इतने कम समय में नहीं पॉसिबल। उन्होंने कहा पॉसिबल है, हम कर सकते हैं। और उन्होंने इसको डायरेक्ट किया, उन्होंने मुझे लक्ष्मण का किरदार दिया और अलग अलग किरदार बांटे। ये जिस प्रकार से इस वीडियो की शुरुआत में आपने देखा, वो शुरुआत का आइडिया भी उनका था कि ये बोलते हुए आप शुरू करो। लेकिन हमें ऐसा लगता था कि वो इतनी स्ट्रांग लड़की है कि हर एक चीज को टैकल कर सकती है, हैंडल कर सकती है, उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन श्रद्धा आफताब के साथ उस रिश्ते को हैंडल नहीं कर पाई। शायद श्रद्धा को मदद की जरूरत थी जो उसे नहीं मिल पाई। अगर 2 साल पहले ही श्रद्धा आफताब से अलग हो गई होती तो आज वो जिंदा होती। मजबूरी है मेरी बताइए, मैं अभी आपको बताती हूँ, मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP News, आपको रखे आगे।